मैं श्वेता गौतम और आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी प्रदूषण के बारे में है। क्या आपको पता है प्रदूषण क्या होता है और किस तरह से प्रदूषण फैलता है? इस कहानी को मैंने सत्य भारती कक्षा 3 की किताब से लिया है, जो कि काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सर्विसेज द्वारा प्रकाशित है। मेरी कहानी का शीर्षक है प्रदूषण। सुंदर जब सवेरे घर से स्कूल के लिए निकला तब वह बहुत ही प्यारा लग रहा था, परंतु जैसे ही वह घर लौटा उसके बाल एकदम बिखरे हुए, हाथ पैर एकदम धूल से भरे हुए और एकदम मटमैले हो रखे थे। सुंदर ने जैसे ही माँ को देखा उसने रोना शुरू कर दिया। सुंदर ने कहा, माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, आप मुझे चाचा के घर गाँव में ही भेज दो। माँ ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है या किसी ने तुम्हें कुछ बोला है, बताओ मुझे। सुंदर ने बोला, नहीं माँ, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बोला, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, परंतु मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, आप मुझे गांव भेज दो। माँ ने हैरानी के साथ बोला, क्यों, गांव क्यों जाना है, इतनी तो सुविधाएं हैं यहाँ पे, इतना आलीशान मकान है हमारा, खुली सड़कें हैं और यातायात के वाहन भी हैं, तुम्हें गांव क्यों जाना है? सुंदर ने माँ से नाराज होते हुए कहा, क्या अच्छा है यहाँ पर, चारों ओर कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं, गटर के ढक्कन खुले रहते हैं और शोर ही शोर है चारों तरफ। माँ ने कहा, चलो कोई बात नहीं, पहले तुम हाथ मुंह धोकर खाना खा लो और इस बारे में हम शाम को बात करेंगे। शाम को जब सुंदर के पिताजी दफ्तर से घर लौटते हैं और माताजी उन्हें सारी बातचीत बता देती हैं। सुंदर के पिताजी ने सुंदर को बुलाकर एकदम प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा जो तुमने बात की है वह एकदम ठीक है, परंतु इस प्रदूषण का कारण भी तो हम ही लोग हैं। यदि हम अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, नालों को साफ रखें और अपने वाहनों की समय समय पर जांच कराएं, कारखानों का कूड़ा नदी में मिलने से रोक दें, तो इतनी सारी परेशानियां प्रदूषण से जुड़ी हुई खुद ही हल हो जाएंगी। मैं अपनी कॉलोनी के सब लोगों की एक सभा बुला रहा हूँ, जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों को हफ्ते के हर तीसरे दिन गटर व कूड़े की पेटी साफ करने को कहा जाएगा और हर रविवार को हम सब मिलकर अपनी कॉलोनी की भी सफाई करेंगे। सुंदर ने कहा, मैं भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्क की सफाई करूंगा और पेड़ पौधों को पानी दूंगा। सुंदर की यह बात सुनकर सुंदर के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। सुंदर ने कहा, यदि हम अपनी कॉलोनी को साफ रखेंगे, इसी तरह दूसरे लोग भी अपनी अपनी कॉलोनियों को साफ रखेंगे और इस प्रकार सारे नगर साफ सुथरे हो जाएंगे। माता जी ने पूछा, क्या तुम अभी भी गांव जाना चाहते हो? सुंदर ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, मैं यहीं पर रहकर अपने शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने का प्रयास करूँगा। सुंदर ने पिताजी से कहा, पिताजी अब मुझे यह बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि समस्या से डर कर भागने में समझदारी नहीं है, बल्कि समस्या का डट कर मुकाबला करने में ही समझदारी है। यह बात सुनकर पिताजी और माताजी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। धन्यवाद।